आजिठ बीजेपी दुईदिनिया परिवर्तित कार्यकारिणी पूरी में आयोजित कार्यकारिणी को उद्घाटन करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री जेपी नड्डा। केन्द्र में तृतीय थर मोदी सरकार और राज्य में प्रथम थर बीजेपी सरकार गठन पर बसुची कार्यकारिणी, विशेषकर नुआ सरकार प्रतिश्रुति पूरण नहीं प्रस्तुत हो रोडमैप। जन आकांक्षा को केमती योजनार रूप दिजिव से नहीं विशद आलोचना करा। एथसह केन्द्र और राज्य सरकार का जनकल्याणकारी योजना केमती लोकों पाखे पहुंचे से नहीं प्लान प्रस्तुत हो। राज्य सभापति मनमोहन सामल का अध्यक्षत बसुवा यह बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, दुई उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल सदस्य, सांसद, विधायक योगदान करेंगे। क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंशल, राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार, सहप्रभारी लता उसेंडी उपस्थित रहिबे। ओडिशा रे बीजेपी 25 वर्ष जनसेवा लक्ष्य नहीं बीजेपी आगकु बढ़ुवा नहीं यार रूपरेख प्रस्तुत हो। बैठक में आलोचना हो। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 वर्ष भितर ओडिशार देशर ग्रोथ इंजिन पलटि कही सारी। सेपटे आरंभ हो बीजेपी पदाधिकारी बैठक परिवर्तित राज्य कार्यकारिणी बैठक पूर्व बसे पदाधिकारी बैठक मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पर की एक होगा। बिल्कुल, अब आने वाले 25 साल भाजपा उड़ीसा में है। सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की पहली कार्य समिति है और कार्य समिति हम इस बार पूरी में करने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने हमें आशीर्वाद दिया है उड़ीसा के सेवा के लिए, उनके आशीर्वाद के बदौलत ही आज हमें भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों को सरकार में बैठकर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है जगन्नाथ जी के सानिध्य में। इसीलिए उनको धन्यवाद देने के लिए हमारी ये कार्य समिति हम इस बार पूरी में करने जा रहे हैं। उड़ीसा के हर घर में पहुंचना, हर जगह पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और उन सारी बातों को लेकर जाएंगे। और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो निश्चित तौर पर उड़ीसा वासी जैसा चाहते वैसा विकास उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हमारी पहली बैठक है और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी बैठक का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और बैठक 2 दिन चलेगी। साहित्यिक प्रस्ताव भी होगा, समीक्षाएँ भी होंगी, धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा, सब विषयों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ आए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन रहेगा और जो संकल्प किए हैं उनको पूरा करेगी सरकार। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्यकारी कमिटी बैठक, इतने गुरुत्वपूर्ण विषय चर्चा हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा भी आज पहुँचे उद्घाटन कर मीटिंग पर एग्जीक्यूटिव आरंभ कल पर्यटन चलो एवं एमर सांगठनिक राजनैतिक अन्न्य जो विषय चर्चा आलोचना हम निर्वाचन समीक्षा से मध्य आलोचना हम एवं जहा जा केन्द्र विभिन्न कार्यक्रम एवं राज्यर कार्यक्रम एथिरे नीतिगत भाव निष्पत्ति आगामी दिन में कार्यक्रम खसड़ा तैयारी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।